उन्नाव गैंगरेप केस में लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच अब बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही पूरा मामला सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है। गृह सचिव और डीजीपी ने बताया कि अब सीबीआई ही ये निर्णय लेगी कि विधायक की गिरफ्तारी होगी या नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में विधायक के खिलाफ सबूत होने की बात कही है तो ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों की जा रही है। क्या यूपी पुलिस उन्नाव गैंगरेप कांड के आरोपी बीजेपी विधायक को बचाना चाहती है? पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद भी विधायक की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? क्या आप सीबीआई जांच के बहाने गिरफ्तारी में जानबूझकर देरी की जा रही है? ये तमाम सवाल इसीलिए क्योंकि उन्नाव गैंगरेप कांड में बीजेपी विधायक अभी भी खुलेआम घूम रहा है, एसएसपी दफ्तर के बाहर मिडनाइट ड्रामा कर रहा है, लेकिन पुलिस जांच का हवाला देकर हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। एसआईटी की रिपोर्ट में बीजेपी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद योगी की पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। इतना ही नहीं, अब तो मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देकर ये साफ कर दिया गया है कि जब तक जांच एजेंसी गिरफ्तारी का आदेश नहीं देती तब तक कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर रहेगा। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ये विधायक को बचाने की कोशिश नहीं। हालांकि पुलिस तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में दोषी पाए जाने पर बीजेपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। गृह सचिव अरविंद कुमार और डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि कोई भी उन्हें बचा नहीं रहा, हम दोनों ही पक्षों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले देर रात आरोपी विधायक ने आधी रात को लखनऊ में एसएसपी दफ्तर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा किया था। खबर मिली थी कि वो सरेंडर करने आ रहे हैं, लेकिन बिना सरेंडर किए ही वापस लौट गए। देर रात कुलदीप सिंह एसएसपी दफ्तर के बाहर पहुंचे और कहा कि वो सरेंडर करने नहीं बल्कि ये बताने आए हैं कि वो भगौड़ा नहीं है। इस दौरान आरोपी विधायक ने खुद को निर्दोष भी बताया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।